हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उपासना जोशी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के अभिकरण। बिफोर स्टार्ट द न्यू टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लास्ट वीडियो नेचर ऑफ एजुकेशन। सो द फीचर्स ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन इज अ नंबर वन, इट्स अ पर्पसिव एंड कॉन्शियस प्रोसेस एजुकेशन। नाउ द एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। थर्ड वन इज एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड डायनेमिक प्रोसेस। सोशल प्रोसेस हमने इसलिए कहा था क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसका सामाजिक विकास होता है, जिससे वह खुद का और समाज का दोनों में समायोजन करता है। डायनेमिक प्रोसेस हमने इसलिए कहा था बच्चों गतिशील है क्योंकि शिक्षा जड़ न रहकर एक गतिशील प्रक्रिया है। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ ए बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस में हमने कहा था कि इट हैज़ अ टू पोल्स, इसमें वन पोल पर टीचर एंड अनदर पोल स्टूडेंट, और दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, एक सिखाता है और दूसरा इसमें सीखता है, इसलिए इसको एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस हमने बताया था। ये जॉन एडम ने स्टेटमेंट दिया था, 2 मार्क्स में बच्चों ये पूछा जाता है। एंड ट्राइपोलर प्रोसेस, इसमें हमने बताया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 बिंदु होते हैं, स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम। और करिकुलम इसमें इम्पॉर्टेंट, पाठ्यक्रम इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाठ्यक्रम या करिकुलम के माध्यम से ही स्टूडेंट और टीचर का आपस में इंट्रैक्शन होता है, जुड़ता है। नाउ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एक विकास की प्रक्रिया है शिक्षा। और हमने बताया था कि एजुकेशन इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, इट मीन्स कि एजुकेशन के अंदर साइंस और आर्ट दोनों के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ना तो ये प्योर साइंस है और ना ही ये प्योर आर्ट है, क्योंकि इसमें शिक्षा के उद्देश्य, टीचिंग मेथड आदि के लिए हमें साइंस के नियमों पर डिपेंड होना पड़ता है। और आर्ट में इसको हम प्योर आर्ट इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें जो टीचर होता है वो बच्चों की मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसको प्योर आर्ट भी नहीं कहते। इसमें साइंस और आर्ट दोनों के करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, इसलिए एजुकेशन इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये हमने लास्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द न्यू टॉपिक एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अभिकरण का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि सोसाइटी हैज़ डेवलप अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन, दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसको हम इस तरह से बोलेंगे बेटा हिंदी में कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। यानी कि जो एजेंसीज होती हैं वो ऐसी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो कि शिक्षा के कार्य को करती हैं, तो जो करने वाला होता है वो एजेंसीज हैं, यानी कि वो एक एजेंट की भूमिका निभाती हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के अभिकरण को ये 3 प्रकार से होती, हमने इसको क्लासिफाई किया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। आपके कोर्स में बेटा ये तीनों ही दी गई हैं, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक एंड नॉन फॉर्मल मीन्स निरौपचारिक। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, बेटा ये थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कंपैरेटिव चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है इस स्लाइड्स में, जिसमें आप ये देखेंगे कि कितने ही आसान तरीके से और कितने ही इंटरेस्टिंग वे में हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से इन तीनों को एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को कंपैरेटिव, तुलनात्मक ढंग से याद करते हैं तो उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने इस बात को भी ध्यान रखा है कि कैसे हम बच्चों को आसान तरीके से टॉपिक को याद कराएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि मैंने इसको इसलिए क्लासिफाई किया है कि आपके केवल बीएड में नहीं, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक साथ तीनों को याद कर सकें, उसके लिए मैंने एक ये चार्ट बनाया है जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की कंपैरेटिव स्टडी की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल, तो फॉर्मल एजेंसीज़ क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि एजेंसीज़ वो होती हैं जो शिक्षा का कार्य करती हैं, यानी फॉर्मल एजेंसी क्या करेगी, यानी औपचारिक अभिकरण क्या करेगी, औपचारिक शिक्षा देने का काम करेगी।
इनफॉर्मल एजेंसी क्या करेंगी, ये जो अनौपचारिक अभिकरण जिसको हम बोलते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा देने का काम करेंगी। नॉन फॉर्मल एजेंसीज क्या करेंगी, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने का काम करेंगी। तो एजेंसीज का काम क्या होता है, कार्य करना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एजेंसी का मतलब है टू एजेंट, किसका कार्य करना, शिक्षा का कार्य करना। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन कौन देता है, फॉर्मल एजेंसीज देती हैं। अब वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं, उसका सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है फॉर्मल के नीचे, आप देखिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम, जू, पिक्चर एंड आर्ट गैलरी। आपके जो बुक में ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लिखा है, लेकिन बेटा मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा इसलिए देने की कोशिश की है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉलेज या पिक्चर, जू, आर्ट गैलरी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो जब आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा लिए हैं। आप अभी के लिए फ़िलहाल 2 से 3 भी याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मल एजेंसी हमारी कौन सी हुई, स्कूल हमारा एक फॉर्मल एजेंसी हुआ। यानी मैंने आपको बताया था ना कि वो क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट डेवलप करते हैं सोसाइटी। तो वो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट क्या हो गया फॉर्मल एजुकेशन के लिए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गया। अब आपको ये इस चीज़ का और पता होगा कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जाती है वो कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल यानी औपचारिक। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको औपचारिक एजुकेशन क्यों कहते हैं, हम इसको औपचारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज एजेंसीज रन एजुकेशन इन प्लान्ड मैनर। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही प्लान्ड मैनर में दी जाती है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसका दूसरा नाम है प्लान्ड एजुकेशन, यानी कि नियोजित शिक्षा, ठीक है। अब हम दूसरा इसमें जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसी तरह इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का अगर हम उदाहरण देखें तो अनौपचारिक जो एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो अनौपचारिक शिक्षा देती हैं। अनौपचारिक एजेंसियां वो होती हैं जो अनौपचारिक शिक्षा दे रही हैं। तो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलती है, सबसे पहले बच्चों फैमिली से, दूसरा कम्युनिटी हमारा समुदाय, तीसरा स्टेट यानी राज्य, सोशल गैदरिंग यानी कि जो समाज में गैदरिंग होती है, इकट्ठे होते हैं, मार्केट प्लेस से भी मिल सकती है, सिनेमा हाउस, क्राउड जहां भीड़ भाड़ होती है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, पब्लिक मीटिंग और फील्ड ट्रिप एट्सेट्रा। ये उस एजेंसीज़ के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक जो एजेंसीज हैं उनके ये एग्जाम्पल हैं कि हमें यहाँ यहाँ इन एजेंसीज से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम कहें कि इनफॉर्मल एजुकेशन एक तरीके से ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन है, जो हमने बताया था ना कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, तो लाइफ में हमें शिक्षा फैमिली से भी मिलती है, सिनेमा हाउस से भी मिल जाती है, रेडियो टेलीविज़न से। आज आप देख रहे हैं कि हमें जितनी घर बैठे इन्फॉर्मेशन है वो हमें टीवी के माध्यम से मिल रही है कि देश विदेशों में क्या, ये जो कोरोना से लॉकडाउन हुआ है, ये जो प्रॉब्लम आई है इस वायरस से, इसकी जानकारी हमें सारी कहाँ से मिल रही है, शिक्षा हमें न्यूज़ टेलीविज़न से मिल रही है, न्यूज़पेपर से मिल रही है। तो ये कोई प्लान्ड शिक्षा तो है नहीं, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है जो हमें कहाँ से मिल रही है, रेडियो टीवी वगैरह के माध्यम से मिल रही है। इसका सेकंड पॉइंट आता है, अब इस शिक्षा को हम कैसी शिक्षा कहते हैं, क्या ये प्लान्ड एजुकेशन है, नहीं। अनौपचारिक शिक्षा कोई प्लान्ड एजुकेशन नहीं होती है। सिस्टमेटाइज एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइड, इसमें कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं मिलती। एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल इनफॉर्मली, नेचुरली और अनकॉन्शियसली, यानी कि जो अनौपचारिक तौर से मिले, प्राकृतिक तौर से मिले और अनकॉन्शियसली मिले, यानी कि ये हमें आकस्मिक मिले, इंसिडेंटल मिले, तो उस एजुकेशन को कौन सी एजुकेशन कहते हैं, हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब इसमें थर्ड आता है नॉन फॉर्मल, इसको भी देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा को कौन देता है, निरौपचारिक अभिकरण यानी नॉन फॉर्मल एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं। तो नॉन फॉर्मल एजेंसीज के एग्जाम्पल जैसे मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल के दिए हैं, ऐसे ही नॉन फॉर्मल के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल्स बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है कि कॉरेस्पोंडेंट एजुकेशन क्या है, एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है या इनमें से कोई नहीं या ये सब।
इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो नॉन फॉर्मल यानी निरौपचारिक शिक्षा के जो उदाहरण होंगे वो क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन जिसको हम पत्राचार शिक्षा बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा, मास एजुकेशन जन संचार जन शिक्षा इसको बोला जाता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये कहते किसे हैं, नॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेटा इट्स अ मिडवे ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ये जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा होती है, अर्थात इसमें फॉर्मल एजुकेशन के करेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन के करेक्टरिस्टिक्स भी इस शिक्षा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मिडवे ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो स्टार्ट विद द फॉर्मल एजुकेशन, फिर हम आगे का जो लास्ट स्लाइड है उसे नेक्स्ट स्लाइड को हम स्टडी करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन का करेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ देयर आर वेल डिफाइंड एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें औपचारिक शिक्षा की, तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि ये एक प्लान्ड एजुकेशन होती है, तो हम बता सकते हैं कि इसके जो उद्देश्य होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, यानी क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, स्पेसिफिक करिकुलम होता है, एक विशिष्ट इसका पाठ्यक्रम होता है। जैसे आपने देखा कि अगर जब बच्चा क्लास वन में जाता है, टू में जाता है, थ्री में जाता है, तो हर क्लास का अपना एक स्पेसिफिक करिकुलम होता है जिसको वो स्टडी करता है। डेफिनेट टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में होने वाली प्रक्रिया है फॉर्मल एजुकेशन। इसमें जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि ये प्लान्ड एजुकेशन है इसलिए इसमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेफिनेट टाइम एंड प्लेस, यानी कि स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जहाँ होती है वो एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ जाकर बच्चा प्लान्ड एजुकेशन लेता है। डेफिनेट टाइम होता है कि स्कूल आपका 7 to 2 o'clock चलेगा या 10 to 4 चलेगा, एक टाइम निश्चित होता है, और आपके स्टडी का भी टाइम निश्चित होता है, टाइम टेबल होता है। तो ये दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स बेटा पाए जाते हैं। अब चलते हैं अनौपचारिक शिक्षा की तरफ, जिसमें मैंने आपको लास्ट वाली जो स्लाइड है उसमें ये बताया था कि ये हमें इंसिडेंटल या नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पर या आकस्मिक तौर पर मिलने वाली एजुकेशन होती है, ये प्लान्ड एजुकेशन नहीं होती। इसी वजह से के जो एम होते हैं वो भी स्पेसिफाइड नहीं होते, नो स्पेसिफाइड एम, नो स्पेसिफिक करिकुलम और टीचिंग मेथड। इसके स्पेसिफिक करिकुलम यानी विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता, ना ही इसका कोई टीचिंग मेथड होता है। जैसे कि आपको शिक्षा अपने माता पिता से मिली है, तो इसमें कोई टीचिंग मेथड फिक्स नहीं होता, इसमें छोटा बच्चा भी बड़े को शिक्षा दे सकता है। यानी कि यह शिक्षा वो होती है जिसमें दो व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। नो डेफिनेट टीचर प्यूपल कैन लर्न पीपल कैन लर्न नेचुरली बाई कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसमें प्राकृतिक तौर पर जैसे हम कहीं मार्केट में गए या कहीं पर भी गए, किसी इंसिडेंट से किसी घटना से हमने शिक्षा प्राप्त कर ली। अब जैसे इसका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि इस समय ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, हमारे देश ने दूसरे देशों से के अनुभवों के आधार पर ये शिक्षा ली है कि हमें लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम इस बीमारी से लोगों को बचा सकते हैं। तो ये हमने शिक्षा, ये कोई किसी बुक में लिखी हुई शिक्षा तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक कोरोना की प्रॉब्लम अचानक आई, तो हमने क्या किया, इसको जो दूसरे देशों के अनुभव थे यानी कि अनुभव के आधार पर जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई उससे हमने, उस तरीके से हमने ये शिक्षा ली। तो ये भी यानी कि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, नो डेफिनेट टीचर पीपल कैन लर्न नेचुरली, पीपल नेचुरल प्राकृतिक तौर पर शिक्षा इसको ग्रहण करते हैं। नो डेफिनेट टाइम एंड प्लेस, इसमें कोई टाइम और प्लेस कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अगर हम पढ़ें, हमने बेटा आपने देखा है कि मैंने बताया था कि नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है वो मिडवे है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। उसके मैंने एग्जांपल दिए थे कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है या प्रौढ़ शिक्षा है या कॉरेस्पॉन्डेंस शिक्षा है, ये इसके उदाहरण हैं। इसमें
इट्स वेल प्लान्ड एंड नो नीड ऑफ एनी स्कूल सिस्टम. ये वेल प्लान्ड तो होती है क्योंकि इसमें फॉर्मल वाले गुण भी हैं, तो फॉर्मल तो वेल प्लान्ड एजुकेशन है, तो इट्स अ वेल प्लान्ड एंड नो नीड ऑफ एनी स्कूल सिस्टम. इसमें कोई पर्टिकुलर स्कूल या सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती. नो नीड फॉर स्ट्रक्चर कोर्स एंड करिकुलम. इसमें कोई आपको निश्चित ऐसा नहीं कि करिकुलम होता है लेकिन आपको ये इतने ही टाइम में करना है या ये टीचिंग मेथड अप्लाई होंगे, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. एज टाइम एंड करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको एज का कोई उसमें लिमिटेशन है. आप किसी भी एज में, प्रौढ़ शिक्षा तो आपने देखा है कि वो एडल्ट लोगों के लिए होती है, डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, जो अपनी पढ़ाई बीच में किसी कारण से जिनकी पढ़ाई बीच में रुक गई या जो जॉब करते हुए भी हम आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी लोग इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू शिक्षा ले सकते हैं. यानी कि इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी. तो दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. सो बच्चों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको इन तीनों तरह की एजुकेशन को एक कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू बताने की कोशिश की है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 4 मार्क्स में ये मोस्टली पूछी जाती है. और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. तो आप इस कंपैरेटिव चार्ट के थ्रू तीनों एजुकेशन को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं. आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वो आपकी शुरू हो जाएगी एग्जाम्पल से लेके, या तो आप करेक्टरिस्टिक पहले लेके एग्जाम्पल बाद में ले लें, या आप पहले एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. और 4 मार्क्स में आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन का आता है, उस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं. तो इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.